हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड? अगर आपकी कार के अंदर फ्यूल पंप की रिकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर फ्यूल पंप प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है या फ्यूल को प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो आज आप सही वीडियो पर आए हैं। आज इसमें मैं फ्यूल पंप के सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो फ्रेंड, वीडियो पर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बने रहिए ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो फ्यूल का जो है कफलर देखेंगे, वायरिंग से संबंधित कहीं कटी पिटी तो नहीं है या फिर सॉकेट में कोई दिक्कत हो, और फिर उसके बाद फ्यूज और रिले भी चेक करते हैं। उसके बाद जो है इग्निशन ऑन करते हैं तो उसमें जो है फ्यूल पम्प हमिंग की आवाज़ आती है थोड़ी सी, वो भी चेक करना है आपको कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आपका मोटर जो है ख़राब हो चुका है। तो ये जो फ्यूल पंप मोटर दिख रहा है, ये पूरा असेंबली नहीं ख़राब होता है, सिर्फ फ्यूल पंप मोटर ही ख़राब होता है। तो फ्यूल पंप मोटर जो होता है वो बाज़ार में अवेलेबल होता है। अगर आप सर्विस सेंटर पर दिखवा रहे हैं तो वहाँ पर आपको पूरा कम्प्लीट फ्यूल पम्प चेंज करने के लिए बोला जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कम्प्लीट ही चेंज होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि पूरा फ्यूल पंप ही ख़राब हो गया आपका, उसमें सिर्फ आपका जो मोटर है वही ख़राब होता है और उसकी जो रीडिंग बताती है वो ख़राब हो सकती है। तो फ्यूल पंप मोटर जो आपके मार्केट में मिल जाएगा उसको आप चेंज करके जो फ्यूल पंप को कम दाम में बना सकते हैं। नहीं तो अप्रोक्स फ्यूल पंप पूरा कंप्लीट जो है 6 से 7 हज़ार रुपये का आएगा। तो फ्रेंड, अगर ये फ्यूल पंप का जो मोटर आप लगा देंगे और उसकी रीडिंग वाली जो है उसको लगा देंगे तो आपका फ्यूल पंप का जो कार्य है वो प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो दोस्तों, आपको ये जो दिख रहा है ये मीटर बताता है फ्यूल पंप का कितना इसमें फ्यूल है, तो आप लगा दीजिए इसको। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है।